स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज जो है एक जो वीडियो आपके लिए लाए हैं वो डीएमपी प्रिंटर के बारे में है। डीएमपी प्रिंटर में कौन कौन से प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो हमारे राजन सर हैं, वो आपको बताएंगे कि डीएमपी प्रिंटर के बारे में जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। और उनका जो है खुद का एक चैनल है, जो YouTube चैनल है राजन कुशवाहा के नाम से, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाके उसको चेकअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। जो पिछले मैंने वीडियो बनाया था प्रिंटर के, उसमें मैंने सारे पार्ट्स के नॉलेज दिए थे, कौन सा क्या पार्ट्स है, कैसे इसमें होता है, कैसे काम करता है। आज मैं उसके फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में बताऊंगा कि प्रिंटर का जो फॉल्ट फाइंडिंग है डीएमपी प्रिंटर का, उसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे और किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, कहाँ से आते हैं, उसको कैसे आप सपोर्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने प्रिंटर खोल रखा है, इसमें आपको बता दूँ कि इसको पहले हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे ये होता है आपको मैकेनिकल पार्ट्स और ये होता है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स से बहुत कम प्रॉब्लम आते हैं, दो तीन प्रॉब्लम आते हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है मैकेनिकल पार्ट्स से, ठीक है। इसमें कई तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पेपर को ना लेना, लाइट प्रिंट आउट आना, पेपर को कंटिन्यू आपका हेड वर्किंग जारी रहता है, हेड का बार बार रुक कर चलना, पेपर में लाइनिंग आना, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का मैं आपको प्रॉब्लम और सोल्यूशन सारा एक एक करके आपको बतलाता हूँ। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है कि पेपर नहीं लेना, अगर आपका डीएमपी प्रिंटर पेपर नहीं लेता है तो उसके लिए यहाँ पर लगा हुआ है पेपर सेंसर। सबसे पहले पेपर को चेक करेंगे, ठीक है, और इसको बढ़िया से क्लीन कर देंगे, ठीक है, ताकि स्लिप ना करे। तो अगर आपका पेपर नहीं ले रहा है प्रिंटर तो सेंसर को चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर आपका प्रिंटर प्रिंटिंग प्रोसेस ख़त्म होने के बाद भी कंटिन्यू आपका हेड वर्किंग यानी जारी रखता है, उस कंडीशन में एक हेड ऑन सेंसर है, इसका प्रॉब्लम होता है, तो इसको भी आप चेक करेंगे। या आपका जो हेड है, जैसे आपने प्रिंटर ऑन किया, ये होम पोजीशन पे ना जाके किसी अपोजिट डायरेक्शन में जाकर वाइब्रेट करता है या स्टॉक करता है, उस कंडीशन में इसका ही प्रॉब्लम होता है, हेड होम सेंसर का, हेड होम सेंसर है, इसको आप रिप्लेस कर देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट आपका जैसे है कि हेड आपका बार बार हेड रुक रहा है, तो इस तरह से अगर आपके प्रॉब्लम आते हैं, जैसे आपने डबल लेटर प्रिंट होना, डबल लाइनिंग प्रिंट आउट आना, तो इस तरह से प्रॉब्लम होता है, तो ये आपका जो है सॉफ्ट हेड के सॉफ्ट जो है सॉफ्ट का प्रॉब्लम होता है। इसमें होता क्या है कि जंक लग जाने के कारण ये बार बार सही से चल नहीं पाता है, बार बार रुकता है। इस कंडीशन में आपको इसको निकाल कर पेट्रोल या आईपी से इसको क्लीन करेंगे अच्छे से, फिर इस पर मशीन ऑयल या फिर सिलिकॉन ऑयल या सिलिकॉन ग्रीस इस पर डालकर फिर से इसको फिक्स कर देंगे, ये स्मूथली मूवमेंट चलने लगेगा उस कंडीशन में। नेक्स्ट अगर आपके पेपर पे लाइनिंग आ रही है, यानी कोई आपका जो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो कोई वर्ड बनाता है तो डॉट डॉट मिलके बनाता है, उस कंडीशन में होता है कि अगर कोई एक पिन अगर इसका मिस करेगा तो आपका पूरा पेपर पे एक लाइनिंग आएगा। इस कंडीशन में होता क्या है कि सबसे पहले आप हेड केबल, ये जो हेड का केबल होता है, इसको चेक करते हैं कि प्रॉपर इसकी कनेक्टिविटी बने हुई है कि नहीं है, ज़्यादा चलने की वजह से ये कट जाता है, ठीक है। तो पहले आपको चेक करना है हेड केबल, ठीक है, हेड कॉइल, हेड पिन, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एक करके चेक कर लेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हेड कैसे चेक कर सकते हैं कि ओके है या ओके नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम है जैसे लाइट प्रिंट आउट आना यानी हल्का प्रिंट आउट आना, तो उसको आपका ये जो है आरडी असेंबली, इसको आरडी असेंबली बोलते हैं। अगर आपका प्रिंटर प्रिंट आउट में हल्का प्रिंट आउट आ रहा है तो ये आरडी असेंबली, अगर आरडी असेंबली सही तरीके से नहीं घूमेगा तो रिबन कॉटेज का इसका काम होता है रिबन कॉटेज को वन डायरेक्शन में घुमाना, अगर ये नहीं घुमाएगा तो आपका पेपर पे लाइट प्रिंट आउट आना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो इसको पहले चेक कर लेंगे कि लाइट ये सही से मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वन डायरेक्शन इसका मूवमेंट होता है यानी एक ही डायरेक्शन है। दूसरा आपका है हेड मास्क, यानी आपके पेपर और रिबन के बीच में, जैसे अगर आपका पेपर पूरा ब्लैंक या पूरा ब्लैक आ रहा है तो इसको क्या करेंगे कि होते हैं बहुत सारा इंक अगर लग जाता है तो इसमें हेड मास्क लगा होता है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हेड मास्क होता है। इसका काम होता है
पेपर और रिबन कटेज के बीच गैप प्रोवाइड करना, यानी ये जो आप यहाँ पे होल्स देख रहे हैं यहाँ पे आपका पिन, इसका पिन यहाँ पे बीट करता है, इतने ही दूर प्रिंट होता है और ये कंटिन्यू उस पर दूरी बनाए रखता है, यानी रिबन को पेपर पे सटने नहीं देता है, अटैच नहीं होने देता है, जिसके चलते आपका पेपर सही से बना रहता है। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम है कि अगर आपका पेपर हल्का सा यहाँ से जैसे आपने पेपर लगाया हल्का सा फीड कर होकर और रुक जाता है, उस कंडीशन में होता है यहाँ पे आपका सपोर्टिंग गियर है और पेपर फीड गियर है, तो पेपर फीड होता है कि बहुत ज़्यादा चलने की वजह से आपका पेपर फीड गियर है वो घिस जाता है, उस कंडीशन में आपको पेपर फीड गियर को रिप्लेस करना होता है। नेक्स्ट है कि अगर आपको 3 या 4 पेपर एक साथ प्रिंट आउट लेना है तो इस प्रिंटर में आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सिंगल पेपर लगा रखा है और आप यहाँ से होता है ये पेपर सिलेक्शन लीवर, आपने सिंगल पेपर लगाया है और आपने सिलेक्ट रखा है 4 पेपर पे, तो उस कंडीशन में आपके जो पेपर होगा उस पर हल्का प्रिंट आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो लीवर है सिंगल पेपर पे है, डबल पे है, 3 पे है या 4 पे है। अगर आपने सिंगल लगाया है तो सिंगल पर रख कर इसको प्रिंट आउट लेंगे, आपका 100% ओके प्रिंट आउट आएगा। नेक्स्ट अगर आता है कि अगर आपका प्रिंटर बार बार रीस्टार्ट होता है, हैंग होता है, तो उस कंडीशन में आपको ये जो है मैकेनिकल पार्ट से ये जो प्रॉब्लम आती है, इस कंडीशन में आपको जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है इसको चेक करना होता है। सबसे पहले इसको चेक करेंगे लीकेज हो जाता है या फूल जाता है, जिसके चलते आपके प्रिंटर में जैसे ही आप प्रिंट कमांड देते हैं आपका जो प्रिंटर है हैंग हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, तो इस तरह से आपके प्रॉब्लम आते हैं। अगर आपका प्रिंटर ऑन ही नहीं होता है तो सबसे पहले आप केबल को, पावर केबल को चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो स्विच लगा है इसको चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फ्यूज लगा है फ्यूज को चेक करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग सर्किट के अकॉर्डिंग आपको इसमें चेक करेंगे, आपका 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।